बसपा सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी भाजपा पर बोला जमकर हमला। बसपा सुप्रीमो मायावती बस्ती जिले के GIC ग्राउंड में पहुंची। उन्होंने मंडल स्तर की विशाल जनसभा को संबोधित किया। बस्ती मंडल की 13 विधानसभाओं पर 3 मार्च को मतदान होगा। उन्होंने BJP, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी सरकार आने पर केंद्र और यूपी सरकार के विवादित नियमों और कानूनों को लागू नहीं करने दिया जाएगा। BSP की सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। कानून का फिर से राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव और उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए जाति व दलगत से ऊपर उठकर यहां गुंडों, बदमाशों, माफियाओं और अन्य अपराधियों के को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मेरी सरकार में इनके जेल के जाने की खबर आ जाएगी। वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन करने पर जबरदस्ती गलत आरोपों में फंसाकर उन पर अनेकों केस लगाए हैं, उनकी जांच कर केस को वापस लिया जाएगा। वहीं बसपा सुप्रीमो ने बसपा को भाजपा की बी टीम कहने वालों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में बसपा के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए विपक्षी बसपा को BJP की बी टीम कह रहे हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अगर BSP BJP की बी टीम होती तो समाजवादी पार्टी ने एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव मिलकर क्यों लड़ा था? मुलायम सिंह ने जब संसद में भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने और आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए तो भी, खासकर मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में BJP के साथ UP की सरकार में बने रहना तथा कल्याण जी के साथ उनका गले मिलना तथा 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद BJP के सहयोग से UP की सत्ता में अचानक आ जाना यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं? समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र में कई बार BSP का समर्थन क्यों लिया? बाइट मायावती, बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। जिसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में BSP की दलितों और मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये ड्रामा शुरू कर दिया है कि BJP की डी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि BJP की डी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का चुनाव BSP के साथ मिलकर क्यों लड़ा था? इस बारे में मीडिया में सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपने परिवारिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपकी रिश्तों में मिला तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए बुला भी लिया गया, आदि को देने के लिए थोड़ी देर के लिए बुला भी दिया जाए तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का 1977 में BJP के साथ UP की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद BJP के सहयोग से UP की सरकार में अचानक आ जाना यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं? इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का चुनाव एक बार BSP के साथ मिलकर क्यों लड़ा था तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार BSP का समर्थन क्यों दिया था?